हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आई डॉक्टर दिनेश वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल व्हिच हैव बीन रिमूव्ड। सी देर आर द सो मेनी जर्नल्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द यूजीसी। सो बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए फैकल्टी, वी आर गो इफ यू आर गोइंग टू पब्लिश योर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड रिसर्च पेपर इन दीज जर्नल्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द हाउ मैनी एंड वी विल सी इन दिस हाउ मैनी जर्नल्स हैव बीन रिमूव्ड बाई द यू जी सी एंड रिप्लेस्ड बाई द यू जी सी। सो दिस इज द ऑफिशियल होम पेज ऑफ द यू जी सी केयर्ड अप्रूव्ड जर्नल लिस्ट। नाउ दिस इज द होम पेज ऑफ द यू जी सी केयर लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो नाउ यू कैन सी हियर यू जी सी ऑलरेडी मैंसन्ड हियर, दिस रिसर्चर आर एडवाइज टू चेक वेदर द जर्नल दे आर सबमिटिंग देयर वर्क और पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट। सो बी केयरफुल फॉर दैट। सो यू जी सी ने आपको बिल्कुल क्लियरली मैंसन किया है कि अगर आपने इन जर्नल में पेपर पब्लिश किया तो आपका वो रिसर्च पेपर एक्सेप्टेड नहीं होगा, कंसिडरेबल पार्ट नहीं होगा फॉर द अवार्ड ऑफ योर डिग्री। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, लास्ट तक वीडियो देखिए कि वो कौन कौन से ऐसे जर्नल हैं जिसमें आप पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं, कहीं वो इस पर्टिकुलर यूजीसी केयर अप्रूव लिस्ट के थ्रू रिमूव तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स जर्नल हैं, स्कोपस इंडेक्स जर्नल हैं जो यूजीसी केयर ने लिस्ट ने से अभी बाहर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ क्लोन जर्नल। सो नाउ नाउ जस्ट क्लिक ऑन द यूजीसी क्लोन लिस्ट। सो दिस इज द क्लोन लिस्ट। सो यू कैन सी दिस इज द क्लोन जर्नल्स के कौन कौन से वो ऐसे जर्नल्स हैं जो ऑलरेडी क्लोन्ड हो चुके हैं और यू जी सी ने उनकी लिस्ट डिस्प्ले की है। तो ऐसे टोटल 24 जर्नल्स हैं जो यू जी सी ने यहाँ पर मैंसन किए होंगे, दीज आर द क्लोन जर्नल। सो बी केयरफुल फॉर दिस टाइप ऑफ द जर्नल एंड अकॉर्डिंगली चूज योर रिसर्च पे चूज योर जर्नल टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर। सो फर्स्ट जर्नल नेम इज़ द आबरू जर्नल, पब्लिश लैंग्वेज इज़ द पंजाबी एंड इंग्लिश। सो यू कैन सी दिस इज़ द यू आर एल फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल। सो यू कैन एक्सप्लोर दिस जर्नल। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द अधिगम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे रिसर्च जर्नल्स हैं जो यूजीसी ने अभी बाहर कर दिए और क्लोन जर्नल की लिस्ट में डिस्प्ले किए हैं, और ये आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीइंग ए रिसर्चर आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या अपडेशन किए हैं यूजीसी ने। तो अदरवाइज अगर आपने इन सभी जर्नल्स में आपने पेपर पब्लिश किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एनी टाइप कुछ भी इशू आ सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बी अलर्ट, बी केयरफुल फॉर दिस टाइप ऑफ द जर्नल। सो दी तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं ये जर्नल वही तो नहीं है जहाँ पर आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश के लिए यहाँ पर है CLION, एनुअल इंटर डिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने भी क्लोन लिस्ट में इन्होंने डिस्प्ले किया है, जारी किया है नोटिस के ये सारे क्लोन लिस्ट हैं। तो बी केयरफुल फॉर दिस टाइप ऑफ द 24 जर्नल एंड यू कैन चेक आल्सो योर द जर्नल होम पेज। सो सारी लिंक्स गिवेन है यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं एक बार, और बहुत केयरफुली इनको एनालिसिस करने के बाद ही आप अपने जर्नल में पब्लिश करें रिसर्च पेपर को। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ओपन की है तो वहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं हुई है। तो यू कैन सी दिस इज़ द टाइप ऑफ द जर्नल दैट यू जी सी केयर हैव बीन डिस्प्लेड द लिस्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज के वो ऐसे कौन कौन से जर्नल है कि जो इस स्कोपस इंडेक्स जर्नल तो है बट यूजीसी ने उनको बाहर कर दिया अपनी यूजीसी केयर और यूजीसी रिकॉग्नाइज जर्नल के लिस्ट से। तो वो यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है लेकिन वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल है, यूजीसी ने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मेंशन किया है। सो नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द लिस्ट ऑफ द यूजीसी केयर ग्रुप टू। सो दिस इज द ग्रुप टू यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप टू। सो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द पर्टिकुलर होम पेज। सो यू कैन सी दिस इज द लिस्ट ऑफ जर्नल्स रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप टू इंडेक्स्ड
इन स्कोपस डेटाबेस। मींस कि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो स्कोपस डेटाबेस में इंडेक्स तो हैं, बट वो उन्होंने यूजीसी केयर लिस्ट से इनको बाहर कर दिया, रिमूव्ड कर दिया है ड्यू टू द सम रीजन। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं कि वो उनकी क्राइटेरिया या गाइडलाइंस को मैच नहीं कर पा रहे हो, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं यूजीसी के अकॉर्डिंगली, तो उन्होंने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया, बट वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल हैं। सो नाउ वी विल सी, सो दीज आर द कैटेगरी ऑफ द यूजीसी केयर लिस्ट। यू कैन सी हियर यूजीसी केयर हैज रिसीव्ड कंप्लेंट अबाउट द सेवरल जर्नल। यूजीसी के पास बहुत सारे रिसर्चर्स ने या कहीं से भी उनके पास कंप्लेंट्स आई हैं कि ये सारे जो जर्नल्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यूजीसी ने इनको क्या किया है, रिमूव कर दिया, अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द जर्नल। सो यू कैन सी हियर दिस इज द सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 जर्नल टाइटल, जर्नल का जो टाइटल है उसका जो मेन हेडिंग है वो है, आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिशर कौन है, वो भी यहाँ पर मेंशन इन्होंने क्लियरली किया है। देन यू कैन चेक द आईएसएसएन नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक आईएसएसएन नंबर आल्सो गिवन हियर। नाउ यू कैन चेक द जर्नल अकॉर्डिंगली। नाउ वी कैन सी द टोटल नंबर ऑफ कितना है, 77। तो 77 ऐसे जर्नल्स हैं जो यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर हो चुके, मे बी पॉसिबल वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स भी हो सकते हैं। सो बी केयर फॉर दैट, बींग ए रिसर्चर, बींग ए फैकल्टी मेंबर, अगर आप पेपर अपना पब्लिश करने जा रहे हैं, बी केयरफुल एंड बी और अटेंटिव फॉर दिस टाइप ऑफ द इश्यू। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी मिस्टेक कर दें जिसके लिए आपको रियलाइज हो और बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट कर दें, एंड एट द टाइम ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री यू विल फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू। सो दीज आर द जर्नल। सो नाउ यू कैन एक्सप्लोर ईच एंड एवरी जर्नल, जस्ट कॉपी हियर एंड पेस्ट ऑन द गूगल। सो आप स्पेशली वहाँ से गूगल पर जाकर आप इनको सर्च कर सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट जर्नल्स। सो दीज आर द जर्नल्स, टेक्सटाइल, बहुत सारे एरियाज के रिसर्च जर्नल्स, सीरियल पब्लिकेशन, कंप्यूसॉफ्ट, एलाइड एकेडमी, रिसर्च ट्रेंड्स, इन सभी के ऐसे अप्रूव्ड थे पहले की लिस्ट में, 2019 की लिस्ट में अप्रूव्ड जर्नल थे, बट 2020 की लिस्ट में ये बाहर हो चुके हैं। सो बी केयर फॉर दैट, 77 जर्नल रिमूव्ड हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द डोनाल्ड स्कूल जर्नल ऑफ अल्ट्रासाउंड, एंड बहुत सारे कैटेगरीज में, तो हर कैटेगरीज के इसमें जर्नल्स इंक्लूडेड, तो स्पेशली किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं, इसमें टोटली सारे जितने भी रिसर्च एरियाज हैं, फील्ड हैं, सभी के जर्नल्स इन्होंने कॉमनली पब्लिश कर दी। इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया है कि दीज आर द कंप्यूटर साइंस जर्नल, दीज आर द मल्टीपल डिसिप्लिनरी, दीज आर द मेडिसिन रिलेटेड। इन्होंने एक ओवरऑल लिस्ट डिस्प्ले की, यूजीसी केयर ग्रुप 2 की लिस्ट जनरेट हुई है, डिस्प्लेड हुई है कि आपको, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको अगर इनमें जर्नल में पब्लिश आपने किया तो हम एक्सेप्ट नहीं कर देंगे, तो एट द टाइम ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री यू विल फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू। सो बी केयर फॉर दिस। तो आप यहाँ से लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जर्नल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक है, ब्लू आई इंटेलिजेंट दैट इज ऑल्सो हैव बिन स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं, बहुत सारे स्कोपस इंडेक्स जर्नल हैं जो इन्होंने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिए। तो इफ़ यू फाइंड यू इफ़ यू लाइक दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल चैनल एंड आल्सो से हेल्प योर फ्रेंड्स। तो अपने सभी फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको अभी ये मालूम नहीं होगा, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड करें, उनको एक फैलाएं, सभी जितने भी रिसर्चर हैं अपने नियर कॉलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को, सभी को एक एक बींग ए ह्यूमन एक उनकी हेल्प करें, क्योंकि हेल्प करेंगे तभी उनको एक मदद हो पाएगी, कहीं वो गलती ना करें। तो बींग ए गुड ह्यूमन मीन आपको एक इस टाइप से चीज़ों को सर्कुलेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। सो जस्ट आपको एक क्लिक करना है शेयर के लिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, देयर आर द सो मैनी सोशल मीडियाज आर अवेलेबल। सो जस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ द इशू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सो एवरी रिसर्चर शुड बी फेमिलियर फॉर दिस टाइप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द लिस्ट, फर्स्ट वन इज द क्लोन लिस्ट एंड सेकेंड वन इज द अप्रूव्ड यूजीसी केयर अप्रूव्ड लिस्ट एंड रिमूव्ड 77 जनरल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।